बोरवेल अर्थात निर्माण स्थल के करीब बने गड्ढों में बच्चों के गिर जाने की घटनाएं हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। एक रिसर्च के अनुसार हर साल भारत में 1.5-2 हजार बच्चे इस तरह के खुले बोरवेल में गिर जाते हैं और उनके बच पाने के आंकड़े बहुत कम हैं। इस दिल दहला देने वाली सच्चाई को एक मुद्दा बनाते हुए युवा निर्देशक गैब्रियल वत्स ने फिल्म गौरैया लाइव बनाई है, जो 29 मार्च को रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च मुंबई के सहारा स्टार होटल में भव्य रूप से किया गया, जहां निर्माता निर्देशक के साथ बॉलीवुड के प्रतिष्ठित गायक शान, गीतकार और अभिनेत्री सीमा सैनी, संगीतकार सुजॉय बोस, अभिनेता विनय झा और एक्टर नरेंद्र खत्री इत्यादि मौजूद रहे। इस अवसर पर फिल्म के गीत माटी माटी रे झुमरी तलैया दिखाए गए, जिसे सभी ने पसंद किया। फिल्म का टीजर भी बहुत प्रभावी है। नहीं, एक्चुअली ये जो यूनिट है, गैब्रियल है जो डायरेक्टर हैं, ऑफ कोर्स हमारे संजय बोस जो मेरे बहुत ही चहेते कंपोजर हैं, उनकी काम मुझे बहुत पसंद है, तो इनका प्रोजेक्ट था। तो जब मैंने पूछा कि सब्जेक्ट क्या है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट निकला। और सीमा सैनी जी बहुत अच्छा लिखती हैं। इस फिल्म में उन्होंने कुछ फोक सॉन्ग्स और कुछ गाने कंपोज भी किए हैं, दो गाने कंपोज भी किए हैं। सो इट्स अ फैंटास्टिक टीम, और जो कहानी है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। और मुझे कोई बता रहा था कि परसों भी यही घटना फिर से दिल्ली में भी हुई है कि जो बोरवेल बनाते हैं और कई बार गलती से बच्चे जो है वो जाने अनजाने, उस अनजाने में ही होता है ये, वो बोरवेल में वो गिर जाते हैं। और ये सच्ची कहानी है किस तरह से गौरिया नाम की एक बच्ची वहाँ फंस जाती है, 30 घंटे तक किस तरह से उसे वहाँ से निकालने की जो एक जद्दोजहद, वो एक अलग कहानी है। माँ बाप का जो दुख है, जो ट्रेजडी है कि हेल्पलेसनेस जो है, वो एक अलग कहानी है। बाकी जो सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशंस, लोग, मीडिया और ये सारी चीज़ें जो उसको मदद की जगह हाईलाइट करके अपना अपना मीडिया बाइट्स निकाल रहे हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी इंटेंस स्टोरी, लेकिन उसमें बैकग्राउंड में ही सही, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग गाने भी हैं और कुछ सिचुएशनल गाने भी हैं। इसके बारे में संजय सिंह आप ही बताओ। सर, आपने कुछ वॉइस ओवर भी दिया? हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया। हाँ, तो शुरू ही आपसे होती है। जी जी जी, कहानी है भोपाल की, कहानी है तो भोपाल शहर जो है राजा भोज जी का शहर है। भोपाल तो आप जानते हैं कितने सारे वो जो लेक्स बनाए हैं, वो कहते हैं ना कि ताल में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया है। और राजा भोज ने ही ये सारी चीज़ें की थी वहाँ। तो कहीं ना कहीं उनका एक वॉइस ओवर से एक कहानी शुरू होती है और इस गंगू तेली को राजा भोज बना दिया गया है। तो मैं गाने भी गाया हूँ और उसमें एक वॉइस ओवर मैंने किया है। मैम, फिल्म में किरदार भी निभाई हैं? Yes. बाप रे सीमा। दरअसल हम सारे जो हमारी टीम है उन सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और हम लोगों ने 8 दिन में मूवी को शूट किया है, जो कि बहुत नामुमकिन सा था। काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स थे, काफ़ी सारे परेशानियां थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने 8 दिन में शूट करके कंप्लीट किया। सो बस आप सबका प्यार, और अभी जब जनता फिल्म देखेगी तो उन सबका सपोर्ट चाहिए। कैसा किरदार रहा है आपका? मेरा इसमें मदर का कैरेक्टर है, तो एक जो असहाय माँ बाप होते हैं, मजदूर हैं वो ऑलरेडी, उनकी बच्ची बोरवेल में गिर जाती है, वो 30 घंटे तक उस बोरवेल के पास बैठे हैं और वो हर आने वाले से उम्मीद करते हैं कि शायद ये उनकी आखिरी, मतलब ये उनकी उम्मीद को, एक जो बच्ची आखिरी सांसें ले रही है वो बचा पाए उसको। तो ये सारा स्ट्रगल है माँ बाप का भी, कि वो अपने आप को कितना मजबूर महसूस करते हैं, और जो हमारा सिस्टम है वो कितने तरह के हमें लुभावने अवसर देता है, ऑफर देता है, लेकिन जो मेन जब हमें चाहिए सहायता वो उस वक्त नहीं मिल पाती। तो कोई एक्सपीरियंस किया आपने या कुछ रिसर्च किया नहीं सारी चीज़ें? हाँ, हम लोगों ने काफ़ी सारे, क्योंकि हर साल बच्चों के बोरवेल में गिरने की काफ़ी घटनाएं होती हैं, 500 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं हर साल बच्चे बोरवेल में। और सर्वाइवल का क्या रेशियो होगा, कितने बच पाते हैं, कितने? बहुत कम बच पाते हैं इसमें, बहुत कम बच्चे सर्वाइव कर पाते हैं। तो अभी रिसेंटली भी एक बच्चा था जो बोरवेल में गिरा और वो अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाया। तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो हमने, हमारा जो फिल्म है वो एक मुद्दा इस तरफ ध्यान ले जाने का भी था कि हम वैसे तो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं,
लेकिन जब हम बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि इसमें कोई हादसा हो सकता है। सर क्या, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म गैब्रियल वत्स ने जो बना के लाया, यही 8 दिन का जो शूट था, तो जो हमने मुझे जो देखने को मिला वो, एंड उसके ऊपर पहला काम ही शुरू हुआ म्यूजिक से, तो सीमा क्रैक्ट अ ब्यूटीफुल लिरिक्स जो जिससे एंड फिल्म का विजुअल एंड सब्जेक्ट एवरीथिंग, तो इंस्पिरेशन से एंड देन द फर्स्ट थॉट दैट केम, बिकॉज कंस्ट्रेंट्स बहुत थे, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू आस्क शांदा फॉर द वॉइस, एंड करते कराते ऐसा हुआ कि एक गाना दो गाना एंड राजा भोज का कैरेक्टर, तो इट वॉज अ वेरी वेरी सैटिस्फाइंग, बहुत ही संतुष्टि मिला आपको काम करके। सीमा का राइटिंग, माटी ओ माटी तू भी तो माँ है री, केम आउट एज अ वेरी टचिंग, तो इंस्पिरेशन से अच्छा हो गया सब। एंड अभी जब बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि मैंने ही किया है बैकग्राउंड म्यूजिक के बाद, पहले भी मैं फिल्म से बहुत इंस्पायर था, फिल्म इज रियली लुकिंग अप टू द स्टैंडर्ड, आई मीन लाइक बाकी तो आप लोग बताएंगे, आई मीन लाइक देखने के बाद पब्लिक ऑडियंस बताएंगे। देयर आर मेनी मेनी प्लॉट्स इन दिस फिल्म, इट्स नॉट ओनली गौरैया का जो सर्वाइवल स्टोरी के साथ साथ सब प्लॉट्स जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंगली समाज को एक झकझोड़ने के लिए, झकझोड़ने के लिए। थैंक यू अगेन। एक बंगाली दूसरे बंगाली को हिंदी में मदद कर रहा है, ये भी एक इस पर भी एक खास टिप्पणी होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। अकली सीमा है तो बाकी सीमा, हाँ, तो हम अपने सीमाओं में रहेंगे। सीमा ने भी बहुत अच्छा दो गाना किया, ध्यान दीजो ये जो गाना है बहुत ही टचिंग गाना है, तो जब शांदा ने गाया एंड साधना जी, अनफॉर्चुनेटली शी इज आउट ऑफ टाउन, शी कुड नॉट बी, एंड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड बाकी आप सुनिए देखिए, एंड इट्स अपील टू द पब्लिक दैट प्लीज वॉच द फिल्म ऑन द डे। सो ये फिल्म में एक लास्ट में हमने डिसाइड किया था एक प्रोमोशनल, क्योंकि एक गाना करेंगे तो जहाँ पे थोड़ा इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल होना चाहिए, तो वी हैड एक रॉक टाइप का गाना था, तो वी थॉट ऑफ शब्दक एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड अ वेरी गुड सिंगर, मोर देन अ वेरी गुड, तो ई सैंग बोलो आप तुम कुछ। इट्स अ प्राउड प्रिविलेज फॉर मी एंड आई एम फॉर्चुनेट कि इस फिल्म में मुझे एक चांस मिला है संजय दा के साथ काम करने का, और जिस फिल्म में हमारे आइडल शानदारा इतना अच्छा गाए हैं, वो बोलने की बात नहीं है, और इट्स वेरी प्राउड प्रिविलेज फॉर मी, एंड जितने सारे फनकार यहाँ इस फिल्म में काम कर चुके हैं। दो लाइन हमें सुना दो, मुझे पता है कि गाना रिलीज हो रहा है 21st को, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है एक छोटा टीजर। तोड़ देंगे हम गुरूर तूफानों का, तोड़ देंगे हम घमंड चट्टानों का, तोड़ देंगे हम गुरूर तूफानों का, तोड़ देंगे हम घमंड चट्टानों का, लेट इट बी। एंड ये गाना अगेन सीमा जी ने ही लिखा है, एंड सीमा के साथ भी मेरा बहुत पुराना, बहुत गाने उसने लिखे हैं मेरे लिए, एंड एवरी टाइम शी हैज़ रिटन सॉन्ग्स दे टर्न्ड आउट टू बी वेरी स्पेशल, सो दिस टाइम ऑल्सो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा ही आप लोगों को गाना, जो माटी ओ माटी शानदार वर्शन एंड कीर्ति किलेदार हैज़ सॉन्ग द फीमेल वर्शन, सो कीर्ति किलेदार, एंड शी इज़ ऑल्सो नॉट हियर इन टाउन।